अभी बीच में ना मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया था, तो हम बात कर ही रहे थे उसका क्या बिजनेस है क्लोथ का, तो उसी टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे। तभी बातों बातों में ना उसने बताया कि वो हर मंथ 20 से 25 हज़ार रुपए सिर्फ इंस्टाग्राम थीम्स पेज वालों को देती है प्रमोशन के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला यार 20 से 30 हज़ार तो देती है हर महीना, तो बोलते हैं हाँ यार दे देती हूँ, अच्छे प्रॉफिट भी निकल जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि यार एक थीम्स पेज वाला कितना कमा लेता है, तो वो बोली यार वो आराम से ना 60-70 हज़ार रुपए महीने का कमा लेता है। मैं सोचने लगा क्या सही में एक थीम्स पेज वाला घर में बैठ के इतना कमा सकता है। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत थीम्स पेज वाले को ढूंढा और उनसे मैंने ना बात किया, तो वहाँ पे एक लड़का मुझे मिला जो कि 19 साल का है, स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा है, शायद वो सेकंड ईयर में है। तो वो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसने बोला भैया मैं ना सिर्फ 3-4 घंटा काम करता हूँ और थीम पेज के जरिए मैं महीने के ना 60-70 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तो मैंने उसको बोला अरे भाई तू इतना कमा ले रहे फिर पढ़ाई का क्या ही मतलब है, वैसे छोड़ो वो बात। तो मेन मुद्दा ये है कि थीम्स पेज के जरिए आप घर बैठे 50 से 60 हज़ार रुपये बहुत ही आराम से कमा सकते हो। अब थीम्स पेज होता क्या है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हो, फूड वाला पेज हो गया, ये बुक्स वाला हो गया, जीके वाला हो गया, तो ये सारे जो पेज है ना इसको थीम्स पेज बोला जाता है, जिसमें कोई एक छोटा सा नीश पकड़ के उसके डिटेल्स अपलोड किए जाते हैं। तो थीम्स पेज के जरिए ऐसे 9 तरीके हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। अब वो जो लड़का था वो 19 साल का था और मेरे जो ऑडियंस है ना वो भी 14 से 25 साल तक के बीच के सबसे ज़्यादा है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर चाहते हो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत कमाना तो इस वीडियो के जरिए आप कमा सकते हो। इस वीडियो में मैं इंस्टाग्राम थीम्स पेज के जरिए 9 ऐसे तरीके जिससे आप एक पेज से पैसा कमा सकते हो वो इस वीडियो में आप डिस्क्लोज करने वाला हूँ तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा थीम्स पेज क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कुछ मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, कुछ मैं पेज दिखा देता हूँ और वो पेज वाले कैसे पैसा कमाते हैं वो भी आपको बता देता हूँ, तो सारे डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये वाला आईडी देखो, ये जो आईडी है इसका यूजर नेम है मोटिवेशनल मीडिया, इनके 1.5 लाख फॉलोअर्स है। अब हम किसी भी पोस्ट को ओपन करेंगे तो आप देखोगे इन्होंने दूसरे का पर्सनल आईडी मेंशन किया है, ठीक है। हर आईडी मेंशन करने के इनको 3 से 4 हज़ार रुपये पर पोस्ट का मिलता है, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स है वो है 4.5 लाख, ठीक है। तो हर पोस्ट से ये 3 से 4 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और दिन के ये 3-4 पोस्ट डाल देते हैं, तो अब सोचो एक दिन में ये कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। सेकंड पेज हम देखेंगे, ठीक है, ये है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। अब इनके पेज में जाओगे तो 175 फॉलोअर्स है और इन्होंने अपने बायो में एक छोटा सा वेबसाइट डाल के रखा है, इनका छोटा सा एक वेबसाइट है जहाँ पे ये प्रोडक्ट बेचते हैं। तो पहले तो इन्होंने एक मसल से रिलेटेड पेज बनाया, उसके बाद अपनी वेबसाइट बनाया और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इनकी जो ऑडियंस आती है वो इनके वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदते हैं। साथ ही साथ ये एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं और दूसरों का पोस्ट भी डालते हैं जिससे भी उनका अर्न होता है, यानी ये पेज वाले का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है अपना प्रोडक्ट बेचता है, साथ ही साथ लोगों को मेंशन करता है। थर्ड में आपको एक पेज दिखाता हूं जो कि है जीके इंडिया। अब इनका 1 मिलियन फॉलोअर है। ये पैसा कैसे कमाते हैं, ये अपने ट्रैफिक को यूट्यूब वीडियोस दिखाते हैं, अपने यूट्यूब वीडियो में रिडायरेक्ट करते हैं और इनकी खुद की वेबसाइट भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पे पीडीएफ वगैरह बेचते हैं, तो इस तरीके से ये पैसा कमाते हैं। तो सिर्फ 3 पेज में ही मैंने आपको 4-5 तरीके बता दिए जहां से ये पैसा कमाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आपको मैं 9 तरीके बताने वाला हूं कि एक इंस्टाग्राम पेज से 9 तरीके से पैसा कैसे कमाओगे। बट उससे पहले हम समझेंगे कि यार इंस्टाग्राम पेज आपको अगर क्रिएट करना है तो किस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप इंस्टाग्राम थीम पेज बना सकते हो। तो जब भी आप इंस्टाग्राम थीम पेज बनाओगे सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करना है, जो कैटेगरी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है आपको वो कैटेगरी देखना है। तो ऐसे कुछ कैटेगरी आपको मैं बताता हूं, जैसे कि फर्स्ट हो गया बिजनेस न्यूज, ठीक है। बिजनेस न्यूज की जो कैटेगरी है, बिजनेस न्यूज का आप पोस्ट बनाकर डाल सकते हो, बिजनेस न्यूज के लिए बहुत सारे बिजनेस न्यूज की वेबसाइट है वहां से आप न्यूज उठा सकते हो। सेकंड होता है मोटिवेशनल, जहां पे आप मोटिवेशनल कोटेशन वगैरह डाल सकते हो, जैसे फाउंडर हो गया अश्नीर ग्रोवर हो गया, उसने पॉडकास्ट में कुछ लाइंस बोली होगी मोटिवेशनल, तो उसको आप उठा के अश्नीर की फोटो डाल दो, नीचे आप वो कोटेशन डाल दो और ऐसे पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। फिर हो गया जिम हो गया, फूड हो गया, मेम्स हो गया, बट मेम्स का कॉम्पिटिशन ज्यादा है, बट हाँ वो ग्रो काफी ज्यादा होता है। देन बुक्स हो गया, जीके हो गया, और इस तरीके से जिसमें भी आपका नॉलेज है, जैसे आपको ग्राफिक बनाना आता है, एडिट करना आता है तो एडिट का आप टिक्स एंड ट्रिक दे दिए, या फिर डिजिटल मार्केटर, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, आप भी अगर डिजिटल मार्केटर हो तो उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल सकते हो, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। आप अगर यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर की भी पोस्ट वगैरह आप डाल सकते हो। तो ऐसे नीश चूज करके आपको एक छोटे से कैटेगरी में इंस्टाग्राम थीम पेज ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे तो आपको ग्राफिक बनाना पड़ेगा, इमेजेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए आप कैनवा यूज कर सकते हो। मैं बहुत सालों से कैनवा यूज कर रहा हूँ और कैनवा जैसा वेबसाइट मुझे आज तक नहीं मिला। आप अगर मोबाइल से ऑपरेट करते हो तो कैनवा का एक ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, थोड़ा सा सीख लेना, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आप इमेजेस बना पाओगे। इवन इंस्टाग्राम में जितने पेज है ना सारे के सारे कैनवा यूज करते हैं, इवन इस वीडियो में जो थंबनेल था या फिर मेरे यूट्यूब वीडियो में जितने थंबनेल्स है, वैसे तो मेरे 4-5 यूट्यूब चैनल है, जितने भी यूट्यूब चैनल है सब में जो जो थंबनेल्स है मैंने सिर्फ और सिर्फ कैनवा के जरिए बनाया है।
ठीक है, तो कैनवा एक बेस्ट वेबसाइट है, तो उससे आप ग्राफिक वगैरह बना सकते हो। सेकंड है रील, आप अगर रील्स वगैरह भी अपलोड करोगे तो डेफिनेटली एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आती है, तो रील के लिए ना आप मोबाइल ही यूज करो। मोबाइल की कुछ ऐप आती है, एक हो गया इनशॉट हो गया, सेकंड काइनमास्टर। यस, काइनमास्टर मैं बहुत यूज करता था जब स्टार्टिंग में, जब मैं वीडियोस बनाता था, जब मेरे पास DSLR नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तब मैं मोबाइल से एडिट करता था, बहुत पुरानी बात है, तब मैं काइनमास्टर यूज करता था, बहुत ही बढ़िया ऐप है। देन हो गया हैशटैग, दोस्तों आपको हैशटैग रिसर्च करना पड़ेगा। अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला हैशटैग नहीं यूज करना, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिंदास करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कुछ कुछ लोकल हैशटैग आप डालो, जैसे कि मैं रायपुर में रहता हूँ तो कुछ इस तरीके से भी डालो कि रायपुर जिम्स, आपका अगर जिम से रिलेटेड पेज है तो ऐसा डालो रायपुर जिम्स, जिम इन रायपुर, बेस्ट जिम इन रायपुर, ठीक है, इस टाइप का आपको हैशटैग यूज करना है। लोकल हैशटैग इसलिए बोल रहा हूँ जब किसी को प्रमोशन करवाना होगा तो वो ऐसे हैशटैग से आपको ढूंढ पाएंगे, ठीक है। बड़ा हैशटैग डालोगे तो बहुत सारे पोस्ट उनको दिखेंगे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाला दिखेगा। जैसे कि अगर हैशटैग में अपने जिम डाला है तो पूरे वर्ल्ड वाले जिम डाल रहे हैं, तो वो बंदा अगर रायपुर में रहता है तो उसको ऑस्ट्रेलिया में तो प्रमोशन नहीं करवाना है ना, उसको रायपुर में करवाना है, इसलिए लोकल कीवर्ड भी ढूंढो। अब बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भैया हैशटैग सर हम कैसे ढूंढ ले, तो हैशटैग ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, सीधा जाना गूगल ओपन करना, वहाँ पे लिखना जिम हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है, देखो वेबसाइट खुल गई, अंदर जाना कॉपी कर लेना, बुक से रिलेटेड हैशटैग चाहिए सिंपल गूगल जाके लिखना बुक हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम, पूरे हैशटैग आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इजी है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं भैया हमको हैशटैग नहीं मिलता, हैशटैग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली मिल जाता है। देन है बायो, तो बायो थोड़ा ढंग से लिख लेना, वहाँ पे अपना जीमेल डाल देना और हैशटैग भी यूज कर लेना, जैसे कि जिम का है तो हैशटैग जिम्स बॉयज, या फिर बुक्स है तो हैशटैग बुक्स वगैरह के से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आप वहाँ पे डालना, कीवर्ड्स इन द सेंस हैशटैग वगैरह आप वहाँ पे डालना, और जीमेल डालना मत भूलना, क्योंकि प्रमोशन करवाना होगा तो इंसान आपको जीमेल में ही मेल करेगा। देन हो गया प्रोफाइल पिक्चर और यूजर नेम, तो प्रोफाइल पिक्चर भैया बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर जिम का डाल रहे हो तो आप जिम का डालना, बुक का करो बुक का, मोटिवेशनल का करो थोड़ा मोटिवेशन वाला, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे आपसे आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, और यूजर नेम भी वैसे डालना है, जिम का है तो जिम बडीज हो गया, ठीक है, इस टाइप से कुछ आपको यूजर नेम चूज करना है। एक चीज याद रखना, बीच में डॉट स्लैश ये सब चीजें मत करना, ठीक है, वरना आदमी ना सर्च करके ढूंढ नहीं पाएगा, 10 लोग और मिल जाएंगे, तो छोटा सा रखना और ऐसा नाम रखना जिसमें वो डॉट्स वगैरह ना आए, बड़ा बेकार लगता है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो इंस्टाग्राम में क्या है, dizzyprakash.in, जो कि मेरी वेबसाइट भी है, तो मुझे यही सही लगा, मुझे मिल भी नहीं रहा था dizzyprakash नाम से, तो dizzyprakash.in जो कि मेरी वेबसाइट है, मेरा यूजर नेम भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप रख सकते हो, जो कि एक बार में याद हो गया। जैसे आपको याद हो गया होगा मेरे इंस्टाग्राम का आईडी क्या है, dizzyprakash.in, तो वहां पे जाके फॉलो कर लो। और आप सोच रहे हो कि भैया पैसे का मैं बता नहीं रहा हूं, तो रुक जाओ, पैसे का बताऊंगा, 9 तरीके बताऊंगा, 2 टिप और जान लो, तभी आप इंस्टाग्राम थीम पेज ग्रो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देन है फॉलो योर कॉम्पिटिशन, आप अगर मोटिवेशन से रिलेटेड पेज बनाते हो, उसमें मोटिवेशन कोटेशन डालते हो, तो ये चीज याद रखना, अपने सारे कॉम्पिटिटर को फॉलो कर लेना, ये मत सोचना मेरा कॉम्पिटिटर भी है मैं उसको क्यों फॉलो करूँ, सबको फॉलो करना है, किसी को नहीं मत छोड़ना, सबको फॉलो कर लेना, और उनके जो फॉलोअर्स है ना उनको भी थोड़ा बहुत आप फॉलो करते रहना, उनके कांटेक्ट में आते रहना, उनके पोस्ट को थोड़ा बहुत लाइक कर देना, तो वो भी आपको रिटर्न में फॉलो कर देंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है ना मोटिवेशन में, और आप भी मोटिवेशन पेज ही हो तो आपको वो डेफिनेटली फॉलो करेंगे। 100 पोस्ट में आप थोड़ा बहुत लाइक करोगे ना तो 100 में से 5 से 10 लोग आपको फॉलो बैक जरूर देंगे, ठीक है, तो ये चीजें करना। एंड सबसे मेन जो कि मास्टरपीस, आपको मिनिमम डेली 2 पोस्ट अपलोड करना होगा। मैं जिस लड़के की बात किया वो डेली के 3 पोस्ट डालता है, तो 3 पोस्ट भी डालोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, आपको डेली के 3 से 4 घंटे देने ही होंगे, तो आपको पोस्ट रिसर्च करना है, बनाना है, और डेली के आपको 3 पोस्ट अपलोड करने हैं, मिनिमम 2 डाल ही देना, अगर 2 डालोगे तो 60 दिन में यानी 2 महीने में 120 पोस्ट होता है, उसके बाद जाके आपको फॉलोवर्स दिखेंगे, स्पॉन्सर आना आपके अकाउंट में चालू हो जाएगा, है ना, पैसे कमाने आप चालू कर दोगे, तो ये याद रखना, आलस नहीं करना है, डेली करोगे तो हैबिट में भी आ जाएगा, और 2 महीने तक आप नहीं कमाओगे, ठीक है, ये बंदा जो है ना इसने 6 महीना मेहनत किया और अभी जाके वो 60-70 हज़ार रुपये कमाता है, आप जॉब भी करोगे ना 5 साल तो भी मुश्किल है कि आप 60-70 हज़ार रुपये महीने कमाओ, तो इसलिए 2-3 महीने आपको अच्छे से घिसना है अपने आप को और पोस्ट डालते रहना है। तो चलो ये सब कहानी अब खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं भैया 9 तरीके जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहला है पोस्ट, स्पॉन्सर बोलते हैं कि भैया आपके इंस्टाग्राम पेज में एक पोस्ट डाल दो, उसके नीचे हमारा लिंक डाल देना, तो वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। सेकंड है स्टोरी, आप दूसरे के पेज को अपनी स्टोरी में डालोगे तो वहाँ से पैसा कमा पाओगे। देन हो गया बायो लिंक, बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर आते हैं जो बोलते हैं आपका अगर जिम का पेज है ना, जिम का थीम्स पेज है, तो वहाँ पे आप हमारी जिम वाली वेबसाइट डाल दो और हर महीने या फिर हर वीकली आपको मैं इतना पे करूंगा। वो होता नहीं है दुकान के बाहर पोस्टर लगा देते और दुकानदार को उसका पैसा मिलता है ना, सेम चीज है, लिंक लगा लोगे तो उसका आपको पैसा मिलेगा। देन हो गया रील, रील के जरिए भी आप पैसा कमा सकते हो, बहुत सारे प्रमोशन वाले आएंगे, बोलेंगे यार हमारा ये जो शैम्पू है ना, ये शैम्पू दिखा देना
देना अपने रील में और इसका मैं आपको इतना पे करूंगा, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर बुक है तो बुक का जो कि बुक लिखता है, जैसे कि अभी अश्विनी ग्रोवर ने एक दोगलापन वाला बुक लिखा था, ठीक है, दोगलापन वाला बुक लिखा था, तो वो भी बोल देगा अगर आपका बुक वाला पेज है कि यार एक बार ना थोड़ा सा रिव्यू कर देना बुक का वीडियो बना के, तो वो भी आपको अच्छा खासा पे कर देगा। तो ऐसे स्पॉन्सर आते हैं रील के लिए। देन हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का भी रिसेंटली मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिखाया, एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हो जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक है। कभी एफिलिएट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। एफिलिएट से अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, तो सीख लेना यार, थोड़ा सा रिसर्च करना, वहाँ से भी अच्छे पैसे आते हैं। देन खुद की वेबसाइट, अपनी वेबसाइट भी आप लगा सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाया था जिम वाले ने अपना वेबसाइट डाल रखा था, बुक वाले ने अपना जीके इंडिया कुछ था ना, उसने भी अपना वेबसाइट डाल के रखा था। तो ऐसे अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक रिडायरेक्ट करके वहाँ के एड रेवेन्यू से पैसा कमा सकते हो। फिर रिडायरेक्ट ट्रैफिक टू यूट्यूब, जैसा फाइनेंस से रिलेटेड आपका पेज है और वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे आपके ट्रैफिक आ रहे हैं, तो आप यूट्यूब में वीडियोस बना सकते हो और यहाँ से ट्रैफिक यानी इंस्टाग्राम पेज से ट्रैफिक अपने यूट्यूब में लेके जा सकते हो। तो यूट्यूब के थ्रू एड्स के जरिए आपके पास अच्छे खासे पैसे आएंगे। देन पीडीएफ, आप पीडीएफ वगैरह सेल कर सकते हो, जैसे कि आपका जो मोटिवेशनल वाला पेज है बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, अब आप लोगों को बोल सकते हो कि यार मैं ना महीने के इतना कमाता हूँ, आपको भी अगर कमाना है तो ऐसे इंस्टाग्राम पेज बना लो और कैसे बना उसके लिए पीडीएफ बाय कर लो। तो ऐसे आप पीडीएफ बना के भी बेच सकते हो। एंड लास्ट, सेल योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आपका जब इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो हो जाएगा तो उस अकाउंट को आप बेच सकते हो, कोई भी कैटेगरी हो उसको आप बेच सकते हो। अब अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है तो मैं खुद खरीद लूंगा यार, कोई भी नीश में हो मेरे को बेच दो, मैं खरीदने को रेडी हूँ। मेरा जीमेल अकाउंट बाजू में आपको दिख रहा होगा, कोई भी नीश हो मेरे को बेच दो, मेरे को पता है उस नीश से पैसा कैसे कमाना है। जो तरीका आपको बताया ना, इसी मेथड को यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपको बेचना है तो डेफिनेटली मैं खड़ा हूं ना, मैं खरीद लूंगा। तो कोई भी पेज ग्रो करने के बाद अगर देख रहे हो ना कि यार इस पेज से ना यार पैसे नहीं आ रहे, तो बेच दो, हजारों लोग खरीदने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर स्टूडेंट हो और घर बैठे ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हो, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, तो ये बाजू वाली जो वीडियो है ना, ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी। तो ये बाजू वाला वीडियो देखना मत भूलना। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।